एक और बात मैं कहता हूं ये जो कॉन्स्टेंटली लोग कह रहे हैं ना कि वोटिंग के लिए कर रहा है ट्रूडो वेन यू से दैट ही इज डूइंग फॉर दिस वोट परपज वॉट खालिस्तान ये बात गलत है सात लाख सत्तर हजार सीक्स हैं कैनेडा में दे आर नॉट ऑल सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान तो ट्रूडो टू गेट देयर वोट डज नॉट हैव टू बिकम ए खालिस्तानी टू गेट देर वोट वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत की जो जांच कमिटी है वो यूएसए में जाकर उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने जो सी एच वन है उसको हमने वो हमारी सरकार का हिस्सा नहीं है भारत का एक आदमी निखिल गुप्ता गिरफ्तार कहते हैं यूएसए को एक्सडाइट हुआ है वो अमेरिका अगर कहता है कि भारत को तो कैनेडा के साथ खड़े होना चाहिए जांच में सहयोग करना चाहिए इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी मानता है कि जो अमेरिका में हुआ वही कुछ कनाडा में हुआ होगा क्या भारत अमेरिका की गुडविल भी लूज करेगा इस पूरे मसले पे सर मैं थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मैं दो तीन चीजें बताता हूँ एक की जो भारत की मीडिया है इट इज डूंग टू इंडिया बाई नॉट शेयरिंग लॉट ऑफ न्यूज देखिये ये जो दो केसेस हैं बहुत मुख्तलिफ है एक कि ये जो कैनेडा को पता चला शुरू में वो अमेरिका से पता चला कि इंडिया की गवर्नमेंट के लोग इन्वाल्व हैं बिकॉज आई थिंक यूएस हैज है इंडियाज इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन या तो ईमेल्स पढ़ रहे हैं या वो टेक्स मैसेजेस पढ़ रहे हैं इसलिए उनको पता चला इसलिए निखिल गुप्ता को भी पकड़ लिया वो जो बंदा सीसी वन है उसका नाम है विक्रम यादव और उसको अब इंडिया कह रही है क्या उसको अरेस्ट कर लिया हमने तो तो अमेरिका ने दो चीजें की हैं एक तो सॉलिड एविडेंस दे के उसपे एक्ट किया केस उन्होंने फाइल कर दी है दूसरी चीज यह है कि इंडिया के ऊपर मुसलसिल दबाव अमेरिका ने डाला है हैविंग फॉर एग्जांपल अमेरिका के जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं बेन कार्डन जो मेरीलैंड के सेनेटर हैं उन्होंने ड्रोन की सेल रोक दी थी जब तक के ये इश्यू आगे नहीं जाता आपको पता है जिस दिन विल्मिंगटन में नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही थी जो बाइडन के साथ उससे दो दिन पहले व्हाइट हाउस के अंदर व्हाइट हाउस के स्टाफ मीटिंग विद पन्नों के लोग हाँ? और जिस दिन जयशंकर साहब डीसी आए उस दिन इंटरनेशनल रिलीजियस कमिटी वाले यूएससीआईएफ की रिपोर्ट भी आई और उसके बाद केस भी आया प्राइवेट केस जो और चार पांच दिन पहले अजीत दोवल साहब ने कनाडा के लोगों से मिलकर उनको एक्सप्लेन भी किया कि बिश्नोई की गैंग क्या है वगैरह सो व्हाट हैपेंड इज कि ये जो डंके की चोट पे बातें करते हैं ना हिंदी में एक चीज बोल रहे हैं इंग्लिश में एक चीज बोल रहे हैं हिंदी में बोलते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे वगैरह जो बयानात है इसके बेसिस पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फायदा उठा रही है जो करंट सरकार है लेकिन इंटरनेशनली ये गुंडागर्दी है जब आप कहते हैं कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे वो भी इन ए डेमोक्रेसी वो भी जी सेवन जिसका आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं this is, this is जैसा आप ने कहा है लेबनान uh, या हिजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैनेडा इज नॉट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके तरफ आप जाके मारेंगे सो दैट इज वन थिंग तो ये अजमशन के इंडिया कैन से ये गलत है क्योंकि वंस अगर ये सामने जो सबूत कनाडा कहता है इट हैज वंस इट कम्स इन द पब्लिक तो फिर आपका क्या मुंह रहेगा बिकॉज इंडिया डिड द सेम थिंग विद द यूएस अगर आप जाके बयान देखें डॉक्टर जयशंकर के वेन द यूएस मेड द एलिगेशन जैसे दिस इज नॉट आवर पॉलिसी वी डोंट डू दिस वगैरह वगैरह फिर उसके बाद कहे कि हम इंक्वायरी करेंगे फिर इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये कहना है कि बंदा रोग बंदा है मतलब आपको आपके तो एजेंसी पे भी कंट्रोल नहीं है कि आपके बंदे छोड़ के अगर रोग है तो वाई हि परस्यूंग इंडिया नेशनल इंटरेस्ट so so the इंडिया का जो नैरेटिव बना है इट इज देस दे गो अलॉन्ग हाँ तो अगर पकड़ गए तो फिर know it's like that से यह जो ट्रूडो कह रहा है ट्रूडो का प्रॉब्लम यह है कि इंटेलिजेंस कि इंडिया इज इन्वॉल्व बट ही डज नॉट हैव एविडेंस दैट यू कैन प्रेजेंट इन ए कोर्ट तो इट्स लाइक saying कि आपने मेरे घर में आके आग लगा दी मैं आपके घर में घुस के आपके सेलफोन पे वो वीडियो देख लिया कि आप आग लगा रहे हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूं अबाउट इट अब मैं कोर्ट में जाके थोड़ी कह सकता कि मैं आपके घर में घुस के आपका <laughs> सेलफोन खोल के देखा आपने मेरे घर में आग लगाई हुई सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एविडेंस कि ये जो कह रहे हैं दूसरी चीज ये है सर इज इंटेलिजेंस का चक्कर ऐसा है कि इंटेलिजेंस वाले दे वांट टू हाइड देयर सोर्सेस एंड मेथड्स। अगर ये पब्लिक में कह दिए हमको कैसा पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व तो उनके मेथड्स पता चल जाएंगे आपको कि किस तरह से आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग क्या एक बंदा ऐसा है एम्बेसी में जो पैसे खाकर कोले खोल रहा है या वो फोन्स हैक कर चुके हैं या दे आर गोइंग थ्रू द ईमेल वी डोंट नो हाउ द एस एस जी डॉक्टर क्या इससे भारत और तो के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा oh, of course, of course. है अगर आप जो जिसको आप डीप स्टेप स्टेट कहते हैं ना तो जो पॉलिसी जो वापस अंदर जाएंगे गवर्नमेंट में जो वापस आते हैं they have realized that india is behaving like a rogue state in democracies mm -hmm. kehna ke hum bin, laden kumar bin laden was being protected by a pakistani government which is not as respectable as the united states america ku pakistan ka hisabanniki kwaishnaiti it is india which wants to have long-term relationship with the west g7 mein banna we want to be a force for the good we want to be so even in the global south ज गोइंग टू बी इंप्रेस्ड अगर ये पता चला कि इंडिया की इंटेलिजेंस और दूसरी चीज मैं दो चीजें बताना चाहता हूं अशुतोषाह एक में कॉन्फ्रेंस में एक बार 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 कह रहा था कि वेस्टर्न हेजर्मिनी वेस्टर्न हेजेमिनी तो एक जर्मन प्रोफेसर बड़े चिड़ गए मुझसे इसे वर्ल्ड डी यूसी फ्रेंच हेजर्मनी दिस इज नॉट वेस्टर्न हेजेमिनी दिस इज एंग्लो सैक्सन हेजेमिनी यानी बर्तानिया और अमेरिका पहले बर्तानिया का हेजमनी थी अब अमेरिका का बर्तानिया इज टैगिंग लॉन्ग तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जिसको हम फाइव आईज भी कहते हैं दे आर द कोर ऑफ द वेस्टर्न हेजिमोनिक थिंग तो अमेरिका इनको साथ रखेगा और इनको छोड़ेगा नहीं सो यू हैव एक्चुअली स्टार्टेड ए कॉन्फ्लिक्ट विद द कोर ऑफ द वेस्टर्न हेजिमोनिक फोर्सेज दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड और दूसरी चीज सर यह है कि ये जो प्रोसेस है ऑफ ट्राइंग टू डू ये चार पांच साल से चल रहा है तकरीबन दो ढाई साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने चार इंडियन एम्बेसी के लोगों को इसी इल्जाम में खामोशी से वापस कर दिया दे टोल्ड इंडियन People, के आप तो फॉर सम हिस्टोरिकल रीजन ऑफ कोलोनियलिज्म जो पंजाब का जो डायस्परा है इट इज इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में भी है कैनेडा में भी है अमेरिका में भी है बर्तानिया में भी है तो

They are not all supporters of Khalistan. So Trudeau, to get their vote, does not have to become a Khalistani to get their vote. Who minority community? Hey, he can do other things. So I think we are being unfair to the Sikhs of Canada when we say Trudeau is doing this for vote bank politics. Uh, Doctor Mukhtar Khan, you have a very, very interesting point. But Professor Mukhtar Khan, आ, क्या आ, भारत की विदेश नीति में अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आ, मैं ये बात पूरी गंभीरता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो देखिये बांग्लादेश आपके पड़ोस पे है और बांग्लादेश में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफी मजबूती से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहां के जो केयरटे का प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तो कहा कि आप बांग्लादेशों के बारे में जो बातें अमित शाह साहब कह रहे हैं तो बोले कि जरा अपने को संभाल के रखें तो इस तरीके की बातें भी हो रही है और उधर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका न्यूजीलैंड कैनेडा अगर एक साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या भारत के अलग थलग पड़ने का भी कोई एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है एक मैं कनाडा के बारे में एक छोटी सी बात कह देता हूँ अशोक साहब वो ऐसा कोई तुच्छा मुल्क नहीं है सिर्फ चार करोड़ है उसकी आबादी और उसकी इकोनॉमी इज मोर देन हाफ ऑफ इंडिया इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है वो सिर्फ चार ट्रिलियन डॉलर की है और कनाडा की टोटल इकोनॉमी टू पॉइंट वन ट्रिलियन डॉलर है आदि है लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ चार करोड़ है इंडिया 140 करोड़ है लाखों इंडियंस कनाडा आते हैं पढ़ने के लिए साढ़े तीन लाख इंडियंस आते हैं कनाडा, इट इज नॉट हैपनिंग द रिवर्स तो ये जो एजम्पन है कि कनाडा इज जस्ट नथिंग कंट्री हम बड़े तीस मारखान हैं आई थिंक इट इज आई थिंक इंडियंस नीड टू थोड़ा रियालिटी चेक भी कर लें अगर कल कनाडा का ग्रीन कार्ड खुट जाएगा तो लाइन यहाँ पे अमेरिका में एक लाख लास्ट ईयर पकड़े गए थे इलीगल इंडिया से अमेरिका आ रहा है ज्यादा लोग गुजरात से आ रहे हैं अब कनाडा का पढ़ ले माइग्रेशन जो इलीगल माइग्रेशन कनाडा को हो रहा है वो गुजरात से हो रहा है इंडिया बेस्ट इकोनॉमिक स्टेट तो ये जो ये इंडियन मीडिया में चल जाता है बिकॉज वो नो क्रॉस चेक फैक्ट्स यार ये जो जो बातें हो रही है ओके दैट्स व्हाई इट्स इट्स कंट्री हाईली डेवलप्ड कंट्री उसकी पर कैपिटल इनकम पचास हजार से ज्यादा है इंडिया 2047 में पच्चीस हजार होगी इंडिया की पर कैपिटल इनकम इफ इट है 25 वो बात जाए। लेकिन देर इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो लोग रिक्नाइज ही नहीं कर रहे हैं देखिए ये बात करते हैं चाणक्य नीति वगैरह तो लुक एट दिस होल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स आपका पूरा नेबरहुड आपका नहीं रहा टॉक अबाउट बीइंग ए ग्लोबल पावर मैं आपको सिंपल बना आपको अगर शहर का दादा बनना है तो पहले आप अपने मोहल्ले के दादा बनिए अगर आप मोहल्ले में आपकी दादागिरी नहीं चल रही तो शहर में कहाँ चले गए इंडिया हैज नॉट सिक्योर्ड साउथ एशिया हर मुल्क के साथ छोटे से छोटे मुल्क से लेके बड़े से बड़े मुल्क तक इंडिया डज नॉट है पाकिस्तान और चाइना नेबर्स उनको छोड़ दें आप बांग्लादेश के साथ देखिए अभी क्या हाल हो रहा है इवन लिटिल टाइनी मोल्डीज मॉल्डीज से बड़े तो मोहल्ले हैं हैदराबाद में इस मोहल्ले से मैं आता हूँ इज बिगर देन मॉलिव उसकी सही से पांच साढ़े पांच लाख आबादी है इवन दैट कंट्री हैज एन इंडिया आउट स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम यह हो रहा है कि इवन दो देर इज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन इंडिया द डिस्कशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मैं जब दिल्ली आया था तो मैं एक दिन में सुबह में विवेकानंद फाउंडेशन में बात किया शाम में शाम में मैं जे में बात किया आई फॉन्ट मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन विवेकानंदा देन एट जे एन यू बड़ी बड़ी हैरत हुई जिंदगी में पहली बार मुझे आर्ट प्रोफेसर तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच मुल्क में नहीं हो तो, तो देर नो फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट नो डिमांड लाइक पब्लिक डिमांड ही नहीं कर रही कि आप सबूत क्यों मांग रहे हैं यू नो वॉट इज सबूत जब मांगते हैं दैट तो यू शो दे डोंट हैव एविडेंस बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट इट बोथ दे आर ट्राइंग टू से वी डिड इट एंड दे आर ट्राइंग टू से यू सेन प्रूव इट समझ ना आप सो वी डिड इट इज फॉर द डोमेस्टिक और फॉर इंटरनेशनल मतलब द द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज नॉट बिलीविंग वॉट इंडिया इज बिकॉज अमेरिका के साथ जो चीज हो रही है एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड अगर आप ऑफ द रेकॉर्ड बात करें तो दे विल टेल यू या अमेरिका हैज हैलरेडी प्रूव दे आर इन द कोर्ट एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेंट एन इंक्वायरी टू एक्सप्लेन टू अमेरिका के भाई हम कैसा करें और ये बहाना बना लिया कि रोग नेशन रोग एजेंट्स थे हमारे पास हमारे एजेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है वो अपनी तरफ से प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं दिस इज इंडिया एक्सप्लेनेशन टू अमेरिका सो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो हर चीज को जो करंट सरकार है उसने हर चीज को डोमेस्टिक uh, पॉलिटिक्स जैसे डायसपुरा के तलुकत भी है इट इज मोर लाइक इलेक्शन कैंपेन देन ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशन अगर आप सिर्फ इंडियन से मिल रहे हैं वैन यू आर कमिंग अब्रॉड यू आर नॉट बिल्डिंग रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द कमिंग और ये जो इसराइल के साथ कॉन्स्टेंट कंपेरिजन डज इंडिया वॉन्ट टू बिकम लाइक इसराइल ऑन ए डेली बेसिस सात डिफरेंट वॉर फ्रंट पे आप जंग लड़ना चाहते हैं आपके खिलाफ आईसीसी और आईसीजी के वारंट्स वुड यू लाइक योर प्राइम मिनिस्टर टू बी अंडर दिस फियर के आपकी इंटरनेशनल आप कहा जाएंगे आप विश्व गुरु कैसा बनेंगे अगर सारे के सारे हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास जनरल असेंबली का आपके ऊपर कॉन्डेमनेशन आ रहा है यूएन जनरल असेंबली में देखिए आप अभी जो रेजोल्यूशन पिछले चार पांच महीनों में पास हुए हैं इसराइल के खिलाफ दे आर ऑल्सो condemnatory. इट इज बिकम अ पराया स्टेट अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं होता तो इसराइल ना तो मिलिटरीली खड़ा हो सकता है ना इंटरनेशनल अरीना में कोई इज्जत है उसकी why why do you, they think of Israel as a role model for India? I find it ridiculous. कि वो मुसलमानों को मार रहा है in these places. नो nobody wants to be part of Israel. आधा population अब भाग जाएगा Economy अगर उनकी अगर अमेरिका उनको literally billions of dollars ना देता रहता फ्रीक्वेंटली अभी पिछले एक साल में हमने 40 बिलियन डॉलर दिया छोटे से मुल्क को दैट इज वॉट इट इज डिपेंडे वाई इज दैट कंट्री अ रोल मॉडल फॉर इंडिया विच वॉन्ट्स टू बी आत्मनिर्भर एंड इंडिया की बहुत इज्जत है इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब मैं मिडल ईस्ट में इजिप्ट और टर्की वगैरह में कहता के आई एम फ्रॉम इंडिया लोग खड़े होके मिलते थे मेरे बड़े लोग जस्ट आउट ऑफ इंडिया का जो इमेज है अगर इस तरह के एक्टिविटीज हम करेंगे एंड वन फाइनल थिंग सर ये जो खालिस्तान मूवमेंट है इंडिया में इट एग्जिस्ट नहीं है खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ही बिल्कुल इनरेलीवेंट वो एक वो, एक वो एक बंदा शुरू किया था जो जेल से फिर इलेक्शन जीता उसका नाम मैं बुल अमृतपाल सिंह शायद उसका नाम था देर इज नो खालिस्तानी मूवमेंट तो वाई इज देयर सच ए प्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी नीड to behave like a rogue state in the international arena if there is no genuine Khalistani movement at home. इतना क्या परेशान होने की बात है? Invest करें आ, पंजाब में जी